अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊं से अपने फार्म को मैनेज करता हूं। अब शाम का टाइम है, इनको सबको बंद करके हमने छोटे जूनों को फीड वगैरह डालनी है और बड़े जो जानवर हैं ना उनको सिर्फ हम पानी डालना है। तो चलें अब शुरू करते हैं। चलो जी, अभी हम इनको करने लगे हैं जी बंद। ये जी सारी फौज आ गई है यहाँ पे। इस फौज को हमें बंद करना है किसी तरीके से। हाफ साहब, काम बड़ा मुश्किल है। इसे कोई सपोर्ट रखनी पैनी है सानू, नाल नहीं फीड पाना है इन्हों। इनको फीड की लालच दे के ना पिंजरों की तरफ लेके जाता हूँ। चलो जी, ये फीड पकड़ ली है मैंने। ये भी मैं पिंजरे में फीड डाल रहा हूँ ताकि ये सारे अंदर चले जाए। चलो जी खाओ। ये आप साहब सारे आ गए हैं इधर। अभी इनको हमने करना है पिंजरे में। बंडी साहब भी फीड से पूरा हकदार कर देने। ये सारे जवान आ गए अंदर। वो ए भी है। चलो जनाब जाओ, ये सारी फौज हो गई है बंद। अब इसके बाद हम करेंगे छोटे छोटे चूहे बंद करेंगे। वो बहुत मुश्किल काम है, पहले ये बंद करते हैं। आजा, आजा, आजा। पहले ये बड़े वाले हम बंद कर रहे हैं। आज आपको सारा तरीका कार बताएंगे कैसे हम फार्म को मैनेज करते हैं। हेलो जी, इसके बाद जो है ना अब हम आपको दिखाते हैं कि हम इनको पानी शानी कैसे डालते हैं। सबसे पहले इनके बर्तन सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। हम सबसे पहले जो है ना अपने जो ब्रीडर हैं उनके पानी के बर्तन निकाल के उनको हम पानी डालते हैं। लोग समझते हैं बड़ा आसान काम है चूहे पालना। चेक करो, एक्सरसाइज हो जाती है बंदे की पूरी। चलो बड़ा मुश्किल काम है ये। अभी इन सबको पकड़ पकड़ के ना मैंने पिंजरों में बंद करना। ये तो चेक करी जाओ। चलो जी, अभी जी हमने अपने लाखे सारे शामू के बच्चे बंद कर लिए हैं। अभी ये वाइट और ब्लैक रह गए हैं। हो सकता है ये अपने आप ही पिंजरे में चले जाए अगर इनमें नहीं मोड़ तो मैं पकड़ के कर देता हूँ। हाँ
ये भी वाइट एंड ब्लैक भी हो गए हैं, ये प्योर ब्लैक और प्योर वाइट के फटे पटी हैं। ये मैं ब्लैक आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देख करो, ये तकरीबन 3.5 माह की पट्टी है और वो 4 साढ़े 4 माह का हो गया। इसके बाद जी हम अब इनके पानी के बर्तन निकालते हैं बाहर। यहाँ पे हमने कुछ ब्रीडर लगाए हुए हैं, ये देखें आप साहब, ये दिखाएं, ये जैपनीज है प्योर मादियाँ और नर, ख़ासतौर पर नर जो है ना वो तो प्योर जैपनीज है, कॉम्पैक्ट साइज वाले जो होते हैं फाइटिंग वाले। ये मेरी होम ब्रीड की मादी है, मुझे दिखाएं ज़रा, ये असल में हो गई थी इन दोनों की एक एक आँख डैमेज हो गई थी, इनको हमने अलहदा कर दिया और अलहदा ही सेवा कर रहे हैं अभी। जी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी होम ब्रीड की मादी है, शामू पाकिस्तानी और एक और ज़रा ब्रीड है उसका क्रॉस, ये चेक करें ज़रा, इन सारी मादियों के कील हैं और ये दिखने में शामू से ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह। एक पकड़ के दिखाता हूँ आपको ज़रा, पकड़ी गई तो मुश्किल ही है। नहीं पकड़ी गई, ये बड़ी तेज नस्ल है। अब जी डालते हैं पानी इनको, फिर हम अपना जो है ना इनके रात के टाइम तरपाले वगैरह डाल देंगे। चलो आप साहब चले, ये ब्लैक देख लें बाहर मुंह निकाल निकाल के खा रहे हैं, ऊपर वालों की फीड नीचे रखी है ना, ये चेक करें, करीब से ला के दिखाएं आपको, ये ब्लैक है, ये मोर नहीं जो है ना इसको बंद करना है, ये तो आए पकड़ेगी पकड़ेगी। अब इसको जो है ना इसके पिंजरे में बंद करना है। हाँ जी मोरनी को तो कर दिया, अभी मोर भी लेके आना है। ये है जिसका पिंजरा, वहाँ से मोर लेके आते हैं। हाँ जी मोर भी इधर ही फिर रहा होगा बेचारा अपने घर की तलाश में, इधर गया है। मोर उधर तो नहीं देखा, मोर ही घूम गया हमारा, मोर किसे गया है? मोर घूम गया, उसको ढूंढने के लिए हम इंजनों के ऊपर जाना पड़ेगा। मोर नहीं है मिला, मोर नहीं है इधर, मुझे लगता है मोर जो है ना वो बाहर चला गया। मुर्गे के पिंजरे में देखता हूँ वहां पे तो नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं है मोर हमारा, पता नहीं क्या ये पर खड़ा हुआ है अब साहब, ये है ये देखें मोर साहब इस टाइम यहाँ पे चढ़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अरे जी मोर साड़ा, मोर साहब जी ये फिर रहे हैं, चेक करो इन्होंने हालात। हाँ साहब मोर ने जो है ना हाथ जख्मी कर दिया है, ये देखें कंडा मारा पूरा। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह।